हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बड़े लोग और छोटे लोग की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज ये अभ्यास में क्या है हमारे पास, जैसे कि आप जानते हो ये रिवीजन हो रहा है। हमने क्या रखा है, इधर एक ढोलक है। ढोलक में बड़े लोग छोटे लोग की मात्रा के शब्द को हमने एक साथ डाल रखा है। अब ये ढोलक में से हमें एक एक करके निकालना है और इन्हें अलग करना है। छोटे ओ की मात्रा जो है इसे हम यहाँ लिखेंगे, बड़े ओ की मात्रा इसे हम बड़े ओ के नीचे लिखेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चोर। तो आप देख ही रहे हो ये छोटी ओ की मात्रा है, तो हम लिखेंगे छोटी ओ की मात्रा के नीचे चोर। ठीक है, चोर। अब हो गया हमारे पास अगला मौसी। हम एक के बाद एक इसको पिकमा करके जाते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, कोई छूट ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास मौसी। तो दो मात्रा दे रखी है, ये बड़ी ओ की मात्रा है, तो हम लिखेंगे यहाँ मौसी मौसी। ठीक है, आइए अगला हमारे पास है मोहन। छोटी ओ की मात्रा हम लिखेंगे यहाँ मोहन। अगला हमारे पास है पकौड़ा। पकौड़ा, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, बड़े ओ की मात्रा के पास। चलिए अगला है खिलौना। अगेन ये कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे खिलौना। अगला है अखरोट। अखरोट कहाँ लिखेंगे हम, ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा, अखरोट। नेक्स्ट लोटा, ये है छोटी ओ की मात्रा, इधर आ जाए। नौकरी, बड़े ओ की मात्रा, नौकरी। जैसे कि ज्यादा हम बोलते हैं कि मात्रा जो है इसके यहाँ से जब आप बड़े ओ की मात्रा करेंगे, आप हमने लिखा है नौकरी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक मात्रा लगाएंगे जब, तो एक बार बोला कर एक मात्रा लगाई और दूसरी जो मात्रा लगेगी यहाँ तक, यहाँ से टच हो, है ना, यहाँ से हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है। हाँ, तो हर बार हम समझाते हैं इस तरह से नहीं लिखना है, हमने इसको जोड़ के लिखना, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हमारे पास ये हो चुका है नौकरी, हो चुका है खोपड़ी। ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा। आगे आइए डरपोक। ओ की मात्रा, डरपोक। अगला हमारे पास है बिछौना। बिछौना, तो बड़े ओ की मात्रा। और अंत में हमारे पास है शॉप। शॉप, ये भी बड़े ओ की मात्रा। तो बच्चों हमने ढोलक से बड़े ओ की मात्रा और छोटी ओ की मात्रा दोनों को हमने अलग कर लिया है। एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। पहले हम छोटे ओ की मात्रा को पढ़ लेते हैं। चोर, मोहन, अखरोट, लोटा, खोपड़ी, डरपोक। अब हम पढ़ेंगे बड़े ओ की मात्रा को। तो चलिए मौसी, पकोड़ा, खिलौना, नौकरी, बिछौना, शॉप। बच्चों जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह से ये जो कार्य हमने आज किया है, इस तरह का कार्य आप अलग अलग मात्रा के साथ भी लेकर कर सकते हैं।